हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह का वक्त हो रहा है, आप सभी के सुबह का प्यार भर गुड मॉर्निंग। और आज 3 तारीख है तो आज से शुरू हो रहा है शुभ नवरात्रि। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे ज्योति तैयारी हो रही है। अभी हम लोग जाने वाले हैं पूजा पाठ का सामान खरीदने के लिए। ये देखिए हम लोग के ना हंसी आता है, जो लगा हुआ है ना खिड़की पे शीशा, तो बाहर से आईना की तरह दिखता है। गांव के लड़के आके वहीं पे अपना बाल ओल चेहरा वोरा सब देखते रहते हैं दिन भर। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। आप सभी को माता रानी ढेर सारी खुशियां दे, सब दुख खत्म कर दे। और क्या, कुछ नहीं। क्या हाँ, चलिए अभी ज्योति तैयार हो जाती है, फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तैयार बनी, मैंने चूड़ी ओड़ी जॉन हो गल रहा हम लोग कंप्लीट। चलिए अभी निकलेंगे हम लोग। हम ना दोस्तों ऐसे ही, मतलब जिस ड्रेस पे रह रहे हैं कहीं भी चले जा रहे हैं। ज्योति देखिए, ज्योति पूरा बन ठन के जा रही है। तो बन ठन के माता जी की पूजा का हो तो ना करी। हाँ, मैंने तैयार वैयार हो के, और मतलब अच्छा लगता है नवरात्रि में साड़ी वड़ी पहन ओन के रहना। तो अभी हमारे लिए भी कपड़ा निकाली है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट निकाली हुई है। कोई भी कोई सौ चले जाता है, कोई सौ थोड़े जाया जाता है दोस्तों। कोई ढंग से पहन ओढ़ के जाओ, अच्छा लगता है। मतलब हम सुबह उठे, घर का जो भी काम हम था, मतलब बाहर झाड़ू वाड़ू लगाना वगाना सब कर उड़ के, उसके बाद नहा धोवा के टी शर्ट लोवर पहन लिए थे। अभी जाना है हम लोगों को सीमान, तो इसलिए कपड़ा पहन लेते हैं। ज्योति निकाली ये वाला शॉर्ट। तो पहले दोस्तों हंसी भी आ रहा है। अभी देखिए हम कपड़ा उपड़ा पहन लिए ये वाला। अब ठीक बनी हो? ए चल जा। और पता है कल बोल के गई थी, बोली थी हमको, हम जा रहे थे दुकान लेके ना, कि आज अगर दाढ़ी और बाल आपका नहीं कटा तो रात में हम पक्का काट देंगे, क्योंकि कल ही बार समय था, बाकी नवरात्र में तो दाढ़ी बाल कटवाएंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया था, अभी ठीक हो गया। दाढ़ी भी सेट करवा लिए, बाल भी छोटे छोटे करवा लिए, अच्छा अच्छा फील भी हो रहा है। तो चलिए, लेट हो रहा है अभी। अरे मैडम चलो। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं लोग सिवान, और ज्योति यहाँ आई है अभी कलश वलश लेने के लिए, मतलब हम लोग आए। कलश चाहिए छोटा साइज में। आई दे दी भैया, पदिया ढक नहीं दे दी, चेक कर लेते हैं। तो निकाल कर दे दी। चलिए अभी दिया हुआ ले लिए, अब चलते हैं और जो जो सामान लेना है लेते हैं फटाफट से, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा है ना ज्योति। फिर अभी आ गया हम लोग, ज्योति को चाहिए था माला माता जी के लिए, यहाँ से माला ले। तो दोस्तों फाइनली इधर का शॉपिंग तो हो गया, बाकी यार उधर चाउमीन और बर्गर लेना था, सोचे साथ में लेते चलते हैं ताकि दोबारा ना आना पड़े। ले लो 10 रुपये निकालो। कौन
दुर्गा जी के तन फोटो चिल्ला रही कौन है अरे का दुर्गा जी ने बानी सब हां दुर्गा जी आई काली जी आई मारे दुर्गा जी आई चली नदी पर तो दोस्तों अभी सारा सामान वामान खरीद के जो भी पूजा पाठ का सामान हम लोगों को खरीदना था और अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। ज्योति जा रही है यहाँ पे पूजा करने के लिए, चादर बिछा रही है, यहाँ बैठ के पूजा करेंगे हम लोग। चलिए चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं, काफी लेट हो गया आज। दोस्तों ये देखिए जो हम मोर पंख लाए थे तूरे के परी का दुना हमें लागो तो थोड़ा ना जी हूँ रखे ऐसा थोड़ा सा तोड़ दी कि हो जी से हो कोना से हमारा खा जाए कहीं तोड़े के कि ना तोड़े के हेंग रख दी हेंग हो कोना में सरस्वती माता तरंग डंटी करी ना कोना में तब अच्छा लगेगा। उसे दोस्तों ये एक साइड रहेगा सब धोने जा रहे हैं, धो देने पे अच्छा रहता है पानी सोखते। एज में सब धोते हैं हो जाए और बर्तन ऊपर चल रहती हो धो ले ली ना चंगेली है हाँ उतारी। दोस्तों कितना सुंदर बड़ा बड़ा सेब है, इहो से बलून बलगनी है कहीं लेनी चॉकलेट और कहीं ना लेंगे दुए को चढ़ल है दुए को ये लिए है ना इसमें पूजा भी करना है और बाकी मेरे साथ साथ ज्योति व्रत है तो उसको ये सेव पसंद आता है। पहले माता जी सब रोज एक ठो कोई छोटी फल लाइएगा खरीद के माता जी के लिए, बाकी तो प्रसाद घर पे है ही, लाइची दाना लौंग सब घर में लाए हैं। शाम थोड़े से खरीदवाए हैं ना दोस्तों क्योंकि फिर शाम को परी पापा खरीद के लाएंगे, इसी वजह से बोले कि अभी थोड़ा सा ही ले लीजिए। ये झोला लेके ऐसा गए थे लोग कि फटने का डर था। अभी ना दोस्तों हम कल चाहे परसों मंदिर को बहुत अच्छे सजा देंगे, आप लोग को दिखाएंगे। हम मेरे हाथ आपके मंदिर में नहीं लगा तो सुना सुना दिख रहा है। अब कल रात से ही देखिए पर्व त्योहार के दिनों में कल रात से ही लाइट का तमाशा है। ओके तो जी फाइनली दोस्तों अभी पूजा पाठ हो गया और देखिए पूजा होने के बाद सबसे पहले तो आप लोग माता रानी का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए माता रानी का। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रहे, आपके घर में शांति रहे, समृद्धि रहे। और ये देखिए पूजा पाठ हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने कलश रखा है। तो जी अभी चलते हैं हम अपना काम धाम देखने। कल रात को ये सिलेंडर लेके आए थे दुकान वाला। घर वाला गैस खत्म हो गया है तो हम लोग तो हम और जो थे तो उपवास है, लेकिन बाबू के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। इस वाले को कस देते हैं। अभी दोस्तों सामान वामान ले लिए और चलते हैं घर से दुकान से लिए। आज तो खाना पीना है नहीं क्योंकि आज हम व्रत हैं, फलहारी कर लेते हैं। फल निकाल के ज्योति रखी है, खा लेते हैं फल।
और उसके बाद दुकान लेके जाएंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करते हैं कि हमारा छोटे से प्यारा से ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ज्योति फोटो शूट कर रही है माता रानी का। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।